के फैसले को राम रहीम ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। चंडीगढ़ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में नया ट्विस्ट आया है। जी हां, सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को राम रहीम ने हाई कोर्ट में चुनौती पेश की है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद राम रहीम की अपील को एडमिट करते हुए जुर्माने की राशि पर रोक लगा दी। 6 साल बाद 17 जनवरी को पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। चारों दोषियों पर हत्या के मामले में 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। 51 वर्षीय राम रहीम साजी दुष्कर्म मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम की यह सजा पूरी होने के बाद उम्र कैद की सजा शुरू होगी। वही छत्रपति हत्याकांड के अन्य दोषी निर्मल सिंह, कृष्णलाल और कुलदीप अम्बाला जेल में बंद है। साध्वी यौन शोषण की खबर छापने के खिलाफ 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को गोली से छलनी कर दिया गया था। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र छत्रपति की मौत हो गई थी, जिसमें सीबीआई कोर्ट के फैसले को राम रहीम ने अब जाकर हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।